just wish he knew. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। तो आज मैंने दो चीज़ें मंगवाई थी ऑनलाइन दराज से, बाइक के लिए नहीं समझ लें, मेरे लिए, अपने लिए राइडिंग के लिए। मेरे पास ये ग्लव्स है जो कि हाफ़ वाला है, मतलब कि पूरा नहीं है, ये फुल नहीं है, हाफ़ है। और ये एक अच्छी क्वालिटी का लेदर क्वालिटी का है, डोमिनेंस का, डोमिनेंस ब्रांड का है ये। और सेकेंड चीज़ मैंने मंगवाई थी जो मेरे पास नई थी चीज़, नीज़ पैड्स। यहाँ पे अपने ग्लव्स चुका हूँ और ग्लव्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, लेदर, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और जो जैसा कि मैं बता रहा था, ये डोमिनेंस ब्रांड है जो कि मैंने दराज से परचेज़ किया था 1500 रुपीज़ का, और ये मैं आपको पहन के भी दिखा दिया है। और ये देखें, ये अल्लाह ना करे राइडिंग के दौरान एक्सीडेंट होता है तो ये आपके घुटनों को, आपके पैर को काफ़ी हद तक बचाता है। तो ये ग्लव्स, ये मैंने अपना फुल लुक आपको दिखा दिया है। और ये नीज़ है, जब आप राइडिंग करते हैं तो ये पहन के हम राइडिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये घुटने को बचाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये घुटने को बचाएगा जब भी आप, अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है तो ये बहुत ज़रूरी है। कि कम बजट में आप अगर अच्छी चीज़ चाहते हैं तो ये आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ग्लव्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं, ग्लव्स डोमिनेंस ब्रांड का है जो कि मैंने पहले बताया था कि ये लेदर का है, और ये इसकी प्राइस 1500 है। और ये है फुल लुक, और ये घुटने भी दिखा दें मेरे। The next day. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? भाई चेन पॉकेट लगाना है यार, लग जाएगा। और ये चेन कवर है, दोनों चीज़ लगानी है। अंदर ले जाऊँ? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। ये चेंज पॉकेट है जो मैंने लिया था, मित्सुबिशी का, ये थाईलैंड मेड है। और मैंने इसका रिव्यू देखा था, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, तो मैंने ये वाला मंगवा लिया था। CB150F का, ये 125 का भी आता है इसी कंपनी का, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैंने यही मंगवा लिया था। क्योंकि होंडा वाला काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो मैंने बोला कि इस बार कोई दूसरा ट्राई करते हैं, फिर अगर ये नहीं चलता है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होंडा वाला लगवा लेंगे। और ये चेन कवर जो है, ये चेन कवर मेरा ख़राब हो गया था, तो ये मैंने चेन कवर भी चेंज करा लिया। ये होंडा का है, चेन कवर मिला है 4000 रुपये का, ये सिर्फ नीचे वाला है, ये नीचे लगेगा। पहचान क्या होती है मतलब खराब होने की, आपको तो आइडिया होगा। देखो नोक बन गई है, हाँ दांतें बन गए इसके, लोगों के छोड़े छोड़ा है, हाँ कट कट के जो है ना पतले हो जाते हैं। अब
गुजारा चलाना चाहते हो तो इलाके में घुस, मतलब ये गुजारा भी चलता है, मतलब लंबे सफर पे नहीं जा, लंबे सफर के लिए रहूं, के लिए जो है खत्म हो चुका है। सही सही, ये खत्म कैसे होता है, मतलब के चेन चलती है ना, लोहे पे लोहा चलता है, कटता रहता है ये। हाँ सही, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चेन स्पॉकेट लग गया है और अभी चेन कवर लग रहा है। और चेन में हमेशा न्यू ऑयल डालें, पुराना यूज़ किया हुआ ऑयल नहीं डालें, उससे चेन की लाइफ कम हो जाती है चेन स्पॉकेट की। और ये पुराना वाला चेन स्पॉकेट जिसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई और ये ख़त्म हो गया बिल्कुल एंड पे था ये, और 12,500 किलोमीटर चला है ये जल्दी ख़त्म इस वजह से हो गया क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, वरना ये तकरीबन 15,000 तक तो चलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी ये नया चेन स्पॉकेट लग गया, अब हम इसको देखते हैं कि कैसा कितने दिन चलता है, फिर उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे कि ये वाला लगवाना चाहिए आपको या होंडा का ओरिजिनल लगवाना चाहिए। होंडा का तो सभी लगवाते हैं लेकिन ये वाला भी लगवा के देखना चाहिए, ये मेड इन थाईलैंड है और इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं, मैंने चेक किए थे और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये 3,500 रुपये का मिला है चेन स्पॉकेट कम्प्लीट सेट और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो देखते हैं अभी इसको चला के कैसा चलता है ये, इंशाल्लाह फिर हमारा टूर भी है नेक्स्ट, फिर उस पर भी देखेंगे कैसा होता है। और ये चेन में न्यू ऑयल डल रहा है, अब चेन कवर चेंज होगा जो कि हमने होंडा से मंगवाया था, होंडा का ओरिजिनल है भाई, चेन लगा रहे हैं। ये चेन कवर जो है सिंगल 4,000 रुपए का है, ये काफी महंगा है, ये माशाल्लाह से लग गया है, बहुत प्यारा लग रहा है, पहले बहुत अजीब हो गया इसका बोल रहे हैं यार, इसका ये भी लगा देना आपके पास हो तो। मोहित भाई मेरे में चेन कवर रबड़ नहीं है। चले भाई हमारा काम तो हो गया है और मगरिब भी हो गई है, अंधेरा हो गया, अब हम घर को निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी जल्दी इन्होंने कर दिया काम, तो अब घर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।